Hi everyone, my name is Kamlesh Tomar and welcome to my blog. So, आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो होगा सौरधार ट्रैक के ऊपर. सौरधार हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ता है और हम सब गांव के छोकरे वहां पे गए थे और हमने वहां पे ट्रैकिंग की थी. हमने वहां पे नाइट भी स्पेंड की. सो मैं आपको दिखाऊंगा हमने किस तरह से वहां पे इंजॉय किया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और धमरोली से शुरू होती है हमारी जर्नी. धमरोली जो कि मेरे गांव का नाम है, यहां से हमने अपनी जर्नी सौरधार के लिए शुरू की. और देख सकते हैं आपकी ये सभी के सभी कितने एक्साइटेड है सौरधार पहुंचने के लिए, सौरधार पर ट्रैकिंग करने के लिए. और ये है हमारा प्यारा और सुंदर सा गांव जिसका नाम है धमरोली. और यहाँ से ये गांव बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं सामने ये पहाड़. और अब हम एकदम से चोटी पे पहुँच चुके हैं. ये देखिए सारे के सारे बंदे किस तरह से थक चुके हैं थोड़े बहुत, लेकिन एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. सभी के पास कुछ ना कुछ सामान है. और देखिए कितना खूबसूरत गेट लगा हुआ है. कितने मजे से चल रहे हैं. चलते चलते बीच रास्तों में हमें मिली अगस्त बेरीज, जिन्हें हम अपनी भाषा में आछेओं के नाम से भी जानते हैं. और ये बेरीज बहुत ही मीठी थी और आप देख सकते हैं किस तरह से सभी के सभी लोग इनको खाने के लिए टूट पड़े और उनकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई उन बेरीज को देखते हुए. और ये बेरीज बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी. और हम यहाँ पर काफ़ी हाइट पर पहुँच चुके हैं अब अपने सफ़र की तरफ रवाना होते हुए. और यहाँ से देख सकते हैं आप हमारा गांव काफ़ी दूर नज़र आ रहा है. टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कई. ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही. देखिए किस तरह से खुश है हमारे शेफ साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं. देखते हैं शाम को क्या खिलाते हैं ये हमें. पनीर टिक्का तो आज के मेन्यू में है. पनीर टिक्का, पनीर देख सकते हैं आप इनके हाथ में. और जो मसाला है वो टिक्के में यूज होता है. 2 किलो पनीर के साथ पनीर टिक्का बनेगा. आपको रेसिपी भी जरूर शेयर करेंगे. और गाइस जो ये सुंदर सी जगह दिख रही है वो है बौर गांव. और ये जो बीच में लाल लाल कलर की बिल्डिंग है वो है कॉमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर.
और यहाँ से हम सभी जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं उन लोगों ने अपनी 12वीं भी पास की है, सभी लोगों ने यहाँ से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। और आप देख सकते हैं हमने वहाँ ऊपर तक जाना है जो चोटी दिख रही है, और जहाँ से हम आए हैं वो बहुत ही सुंदर एरिया था, यहाँ पे काफ़ी खुला ग्राउंड था और काफ़ी सुंदर जगह थी। और अब यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते, अब देखिए यहाँ पे फिर से जंगल में एंट्री लेते हुए, और ये अंतिम बार होगा। इसके बाद हम जब जंगल से बाहर निकलेंगे तो सौरदार पहुँचेंगे। देखिए किस तरह से लकड़ियाँ उठा के जा रहे हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। और ये है सौरधार, सौरधार की छोटी सी झील जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी झील है, और साथ में यहाँ पे हरे भरे लहलाते हुए खेत, बहुत ही खुले खुले खेत है जो कि हरी भरी घास से भरे हुए हैं। और साथ में जो ये झील के किनारे पे पेड़ है वो इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम अपने ट्रैकिंग वाले एरिया पे पहुँच चुके हैं, और देखिए कितने उत्साहित हैं लोग। और जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। जिला शिमला की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे मंत्री जी ने हमें। चुपके से आ भी जाओ, एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने अंधे होने हो जाओ, मैं कोई नशा तेरी आँखों के प्यारे। चुपके से आ भी जाओ, एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने अंधे होने हो जाओ, मैं कोई नशा। देखिए गाइस, रात को खाना बन रहा है।
डिनर की प्रेपरेशन आप देख सकते हैं, बहुत सारा पनीर है और हम बना रहे हैं आज डिनर में पनीर टिक्का। हमारे साथ जो विक्रम नानू थे वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं, हम सभी उन्हें प्यार से शेफ भी बुलाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वो पनीर टिक्का बना रहे हैं। फाइनली हमारा डिनर तैयार हो ही गया और मैं आपको बताऊं खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, खास करके पनीर टिक्का, और हमने पुलाव भी बनाया ताकि हमें भूखा ना रहना पड़े क्योंकि पनीर टिक्का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हुआ सबके लिए, और साथ में हमने बोन फायर भी तैयार कर दिया। उतने में किट्टू ने बोन फायर तैयार किया ताकि इसके बाद हम डिनर के बाद तुरंत आग जला सके, हमें ज़्यादा ठंड महसूस ना हो, और उतने में हमने डिनर इंजॉय किया। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा हा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जा जो गोबरों की लड़ी।
मिला क्यों जुदा होके बता। और ये देखिए सुबह के खाने की तैयारी क्या बन रहा है सर? आज बनेंगे मैगी, मैगी विद बीन्स और साथ में बहुत सारा प्याज, बहुत ही खतरनाक वाली, बहुत ही। और यहाँ पे देखिए एक झील के किनारे किस तरह से बैठे हैं सब्जियाँ काट। डाल कभी पात पात फिर साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जी मर मर के। कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है। और यहाँ पे हम फोटोशूट के सेशन के लिए बगीचे की तरफ जाते हुए, और देखिए कितना खूबसूरत बगीचा है, सेब का बगीचा बहुत ही बेहतरीन। और देखिए किस तरह से एप्पल भी लगे हुए हैं इसमें, छोटे छोटे एप्पल्स, वाह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। और देखिए फोटोशूट के सेशन के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए वाव सेब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लगे हैं, बहुत ही अच्छी पैदावार है इस वक्त और बहुत ही अच्छा। अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, किसी का भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, सब लोग चाह रहे थे कि थोड़ा टाइम और स्पेंड करें यहाँ पर, बट हमें घर वापस जाना था और सभी लोग देखिए किस तरह से वापस चल रहे हैं। शामे मलंग सी राते सुरंग सी बागी उड़ान पे
पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए टॉप पे है। आप देख सकते हैं हमारा गांव, हमारा प्यारा सा गांव डुमरौली में जो दिख रहा है, और ये लोग भी किस तरह से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। Guys, for watching my video, and if you like the video, please like and share. And if you want more videos, so please subscribe to my channel.